नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं यश। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण के संपादकीय का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आगे। मैं उन वाक्यों की तरफ सबसे पहले चलता हूँ जिनमें वो क्षमता होती है कि आपको मोटिवेट कर सकें। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, अपनी प्रसन्नता के निर्धारक आप स्वयं होते हैं। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, आपके जीवन में जिस प्रकार के दुख सुख आएंगे उसके जिम्मेदार आप असल में खुद होंगे। किस प्रकार से होंगे मित्रों? जैसा कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसे आपके फ्रेंड सर्किल में आपके अपने फ्रेंड के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ किस प्रकार का व्यवहार रख रहे हैं, आपका जो दैनिक जीवन है किस तरह का है, इस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। ये लिखा गैर जिम्मेदार ईरान। तो अब इस विषय से ही पता चल जा रहा है कि इसने बहुत बड़ी कुछ लापरवाही की है। तो आपको बता दें, 5-6 दिन पहले जिस प्रकार से एक ईरान के अंदर एक फ्लाइट क्रैश हुई थी उसके बारे में तमाम तरह के एक तरह से अपने अपने परसेप्शन लगा रहे थे लोग कि हो सकता है कि कुछ तकनीकी खामियां रही हों जिस वजह से वो क्रैश हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि किसी मिसाइल की चपेट में आ गई। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, जो ईरान के अंदर जो क्रैश हुई थी, जो प्लेन थी जो यूक्रेन की थी, एक तरह से कह सकते हैं इसी की गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। वो मतलब अमेरिका के अड्डों पे निशाना बनाने के चक्कर में किस प्रकार से एक यूक्रेन की फ़्लाइट को निशाना बना दिया और जिसकी वजह से तकरीबन 150 के ऊपर यात्रियों की मौत हो गई और खुद ईरान के ही उसमें तकरीबन 80 से 81 यात्री थे। अब आपको एक चीज़ बताएं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संघ हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, वो क्यों ये डिसाइड करते हैं कि किस राष्ट्र को ये हक देना चाहिए कि आप परमाणु हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपकरण आप अपने पास रखें? ये बहुत ही ज़रूरी है, आज ये पढ़ने के बाद महसूस हुआ। क्यों अमेरिका अलाउ नहीं करता कि ईरान इराक जैसे देश के पास इस तरह की तकनीकी सुविधा नहीं होनी चाहिए? अब ये बताइए, जब ये इतना भी पहचान नहीं कर पा रही इनके देश की टेक्नोलॉजी कि हथियार कौन सा है और नॉर्मल प्लेन कौन सा है, तो ऐसे देशों को क्या हमें देना चाहिए परमाणु हथियार? कदापि कभी नहीं देना चाहिए। इन देशों की लापरवाही की वजह से जिन लोगों ने कुछ किया भी नहीं उनकी ज़िंदगी चली गई और उसके बाद किस प्रकार से इस कैजुअलिटी पे पर्दा डाल रहे थे कि नहीं, हमारा इसमें किसी प्रकार का हाथ नहीं है, हम अमेरिका को जो ब्लैक बॉक्स होता है वो नहीं देंगे, मतलब तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। और एक बार बता दें, यूक्रेन की जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसका इनको भरपाई करना पड़ेगा। अब इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे उड्डयन संस्था है, जितना भी हो सके इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है, आखिर जिस देश की सेना यात्री विमान और क्रूज मिसाइल में भेद करना न जानती उसे परमाणु हथियार से लैस होने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? ईरान ने यात्री विमान को निशाना बनाकर तो यह रेखांकित किया कि वह परमाणु हथियार हासिल करने का हकदार बिल्कुल नहीं है। बेहतर हो कि ईरान की इस कथित मानवीय भूल का संज्ञान संयुक्त राष्ट्र भी ले। उसे न केवल ईरान को इस हादसे के लिए जवाबदेह बनाना होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया के अशांत क्षेत्रों में इस तरह की गलत फहम न हो जाए। ऐसे में क्या होता है, स्पेशली जिन देशों में अगर इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है या वो क्षेत्र, वो रीजन अशांत हो, तो वो उस देश का क्या होता है ना, उस रीजन को ब्लॉक कर दिया जाता है कि इस समय क्या है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आप हमारे सीमा क्षेत्र में एविएशन का कार्य नहीं कर सकते हैं, उड़ानें बंद कर दी जाती हैं। जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था तो पाकिस्तान ने क्या हुआ था, अपना सीमा क्षेत्र बंद कर दिया था भारत देश के लिए। तो यही होता है, पर इसने इतनी बड़ी भूल की कि अपनी सीमा क्षेत्र को भी इसने न बंद किया, उसके बाद इसने एक मतलब निर्दोष लोगों की इसने हत्या कर दी। उसके बाद है, आप आगे देखिए, दुनिया के अशांत क्षेत्रों में इस तरह की गलतफहमी ना हो जाए, उड्डयन क्षेत्र के
विशेषज्ञों ने ईरान से यह जो सवाल पूछा कि आखिर जब वह इराक में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा था तो फिर उसने अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। उसका अनदेखी नहीं की जा सकती कि किसी भी जिम्मेदार देश से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सैन्य गतिविधियों को संचालित करते समय यात्री विमानों के सुरक्षित संचालन की चिंता करे और आवश्यक समझे तो उसकी उड़ान पर रोक लगा दे, जिससे 176 लोग की जान चली गई। अब जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं तमाम तरह की इसके ऊपर पाबंद लगाएंगी और लगना भी चाहिए और उसकी भरपाई भी करेंगी, पर जितनी भी जाने गई हैं 176 उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। पर इस प्रकार के हादसे फिर कभी भी किसी भी देश में ना हो, उस वजह से इनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगने चाहिए कि अन्य देशों को इससे सीख मिले, भविष्य में जितने देश हैं इस तरह की हरकतों से बाज आएँ। ठीक है, ऐसा कई बार हो चुका है, कोई नई घटना नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है, जितनी बार हुआ है ऐसे ही देशों ने किया है, जिसके यहाँ की एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षा प्रणाली या संचार प्रणाली जीरो है। इससे तो इसकी क्षमता का आकलन आप भी कर सकते हैं कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ईरान इराक की वो कितनी भयानक हो सकती है। अब बात करते हैं बेजा विरोध से मजबूत होती मोदी सरकार। बेजा विरोध का मतलब होता है बेजान विरोध करना। ठीक है, बार बार के जिस प्रकार के आप एक्विजिशन लगाएंगे तो उससे क्या होता है, कभी कभार जो प्रतिद्वंदी होता है उसकी छवि में सुधार भी होने लगती है। आपको पता होगा जब पहली बार सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, फिर उन्होंने 47 दिन के बाद, मतलब अरविंद केजरीवाल 47 या 49 दिन बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था आंतरिक विरोध के चलते। तो उसके बाद तमाम तरह के काउंटर अटैक किए जा रहे थे उनके मैंडेट के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर, उनके पद के ऊपर, पर वही एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने हथियार बना लिया अरविंद केजरीवाल ने। तमाम तरह के जो प्रतिद्वंदी थे उनके ऊपर काउंटर अटैक किए, उसके बाद उनकी छवि को और हिस्टोरिकल बना दिए हैं, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल दोबारा चुनाव जीत गए। तो कभी कभार याद रखिएगा, किसी का इतना भी आलोचना ना करो कि जो जनता है वो समझ जाए कि आप ऐसे ही बेजा विरोध कर रहे हैं, सामने वाले की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भी हालिया जो देखिए, बस जेएनयू के संदर्भ में हम बात नहीं करेंगे, देश में जो भी कार्य हुआ है उसके पीछे जो कुछ साजिशें हुई हैं, जो बड़े बड़े संगठन थे उनका जिस प्रकार से विरोध इनकी पॉलिसी का किया गया, वो कहीं ना कहीं इनके कह सकते हैं चरित्र को, इनके पद को और भी महान बनाते हैं। चाहे वो रिसेंटली का रहा हो, कैब रहा हो, CA रहा हो, 370 एंड आर्टिकल 35 रहा हो, चाहे अयोध्या निर्माण रहा हो, चाहे अन्य राज्यों में किसी प्रकार का परियोजना रहा हो। कहने का मतलब, आप विरोध तभी करें जहाँ पे हमारे देश के नागरिकों का सम्मान जुड़ा हो, उनका अधिकार जुड़ा हो, उनका हित जुड़ा हो। अगर आप बार बार किसी प्रकार का भी विरोध करेंगे तो बाद में क्या है, जनता उब जाती है और जिसका विरोध करते हैं उसे ही नायक मान लेती है। आपको पता होगा 3 तलाक पे मुस्लिम महिलाएं सब साथ में आ गई थी, पर जो मुस्लिम पुरुष था या फिर कुछ अन्य जो दल थे वो किस प्रकार से इनसे कट गए थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इतना ज़्यादा भी विरोध प्रदर्शन सही नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं जो अपना प्रतिद्वंदी है आप उसको एक तरह से बहुत बड़ा नायक बना रहे हैं। देखिए, करता वो जो कुछ करता है विरोध उसी का होता है, जो कुछ नहीं करता उसका विरोध नहीं होता। क्यों ना कोई राहुल जी का विरोध करे, जो राहुल गांधी है वो कुछ करते ही नहीं तो उसका विरोध कौन करेगा। बस उनको संसद में एक हास्य कलाकार के रूप में रखा गया हो सकता है। तो जैसे आगे चलते हैं देखते हैं, यहाँ लिखा है जहाँ तक जेएनयू की बात है, यह विश्वविद्यालय अपनी विशिष्ट वामपंथी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ वामपंथी संस्कृति की पोषण इसलिए मिला क्योंकि वामपंथी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मैं आपको बता दूं, इस बेजा विरोध के बारे में हम यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हालिया 5-7 दिन पहले जिस प्रकार से कुछ अराजक तत्वों ने जेएनयू के अंदर घुसकर
उनके परिसर के अंदर वहाँ के शिक्षकगण और छात्र छात्राओं से उन्होंने मार किया था, मारपीट किया था। अब सामने आई है कि वहाँ जो लोग पकड़े गए हैं वो वामपंथी और दक्षिणपंथी के लोग थे, और बेजा विरोध और झूठा आरोप प्रत्यारोप जिस प्रकार से लगाया जा रहा था कि अमित शाह होंगे बीजेपी के नेता हैं, एबीपी के नेता हैं, अब सारी बातें सामने खुलकर आ गई हैं। 10 लोगों की पहचान हो गई है और जिसमें एक छात्र नेता भी हैं। तो कभी कभार क्या होना चाहिए ना, हमारे देश के अंदर जितनी भी स्थितियां बनती हैं उनकी सही चीज़ों के बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करता है, बस विरोध प्रदर्शन चालू कर देता है। तो याद रखिएगा, जब तक आप जड़ को ना समझें तब तक विरोध ना किया जाए तो बेहतर होगा। आज जो विषय यहाँ पे रखा गया है, बेजा विरोध, इसीलिए रखा गया है कि देखिए, जब सच्चाई आई कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, जैसे कुछ लोग थे छपाक मूवी का बायकट कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये जो निशाना बनाया जा रहा था या फिर तमाम अन्य जो संगठन थे, आप देख सकते हैं टीवी में, ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, टीवी में जिस प्रकार से मीडिया वाले प्रचारित कर रहे थे कि ये एबीपी के नेता हो सकते हैं, बीजेपी के नेता हो सकते हैं, या फिर ये होम मिनिस्ट्री के आदेश से ऐसा हो रहा है, पर जब पुलिस वाले ने छानबीन की, लोगों की पहचान शुरू की, तो पता चला कि विश्वविद्यालय के परिसर के लोग ही हैं। किस प्रकार से वो नाराज़ थे नए छात्रों के प्रवेश के लिए, और 3 महीने से जिस तरह से उन्होंने सर्वर डाउन कर रखा था, तमाम तरह की तोड़फोड़ अराजकता फैलाई थी, उसके बारे में कोई भी परिसर के अंदर का उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया था। तो ये बातें तब खुल के आई जब उसके ऊपर जांच हुआ। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से हम CA के ऊपर विरोध कर रहे हैं, जब इसके सही चीज़ों का हम पता करेंगे, चुनाव करेंगे, तब हमें अपने ऊपर ही शर्म आएगी, क्योंकि ये उसी तरह, ठीक उसी तरह है जिस तरह से आज JNU में एक्सपोज हुआ है कि जितने भी बीच में अभी रिसेंटली जितने भी कार्य हुए उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।